तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है मेरे पीछे पूल और उसके नेक्स्ट जो है ये टेनिस कोर्ट है, और ये जो ये हाईवे का व्यू है ऊपर की तरफ, इसे I-285 हाईवे कहते हैं। यहाँ पे हमेशा चहल पहल होती है, अच्छा लगता है यहाँ पे आके वॉक करने के लिए, पूरा ग्रीनरी है। तो अभी जो US में जो सीज़न है, स्प्रिंग चालू है, और ये आप ट्री देख सकते हैं, इस पे जो है कमल जैसे फूल आते हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ स्प्रिंग तक ही रहते हैं, फिर ये नहीं होते, ये फूल नहीं आते इन पेड़ पर। बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स देखने में। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कम्युनिटी का लीजिंग ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं US का फ्लैग है, और लीजिंग ऑफिस के बाहर इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हैं। आपको एक फ्लावर का लुक दे देती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे येलो कलर, और यहाँ पे रोज़ भी लगाया है इन्होंने, वाइट कलर, सब कलर के फ्लावर्स हैं। यू कैन हैव अ लुक, इट लुक सो ब्यूटीफुल, और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। ये जो है ये पार्किंग है लीजिंग ऑफिस के सामने वाला। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े विंडोज, ये कम्युनिटी का लॉन्ड्री रूम है। मैं इस पर अलग सा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये 3004 अपार्टमेंट है, यहाँ से इस पूरे अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। और ये अपार्टमेंट के सामने ही पार्किंग है। तो अब हम आए हैं गार्डन में। तो ये जो गार्डन है इट्स अ गार्डनिंग, जहाँ पे हम अपने खुद के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फ्लावर्स, वेजीज देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने लगाया है। तो ये जो सिस्टम है गार्डनिंग में, जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं उसके लिए हमें लीजिंग ऑफिस में स्लॉट बुक करना होता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्लॉट्स मिलते हैं। तो जब हमें स्लॉट्स मिल जाए तो हम उसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं, वेजिस लगा सकते हैं, और यहाँ पे हर स्लॉट्स को नंबर दिया गया है, और यहाँ पे किसी ने गुलाब लगाया है, काफ़ी फ्लावर्स भी आए आप देख सकते हैं। तो आप ये पीछे देख सकते हैं एक शेड है यहाँ पे, और पीछे जो हिल है शेड के पीछे वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ट्रेन जा रही है आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे पुदीना लगाया है किसी ने, ज़्यादा करके लोग यहाँ पे पुदीना ही लगाते हैं,
बहुत अच्छे से आता है। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ने वेजिस भी लगाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गार्डन इनको पानी देने के लिए है। और यहाँ पे देखो किसी ने मेथी लगाया है, बहुत ही अच्छे से आया है मेथी। सो ग्रीन, खाने में भी टेस्टी बनते हैं यहाँ के वेजिस जो भी होते हैं। तो आप सबसे मैं गार्डनिंग स्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। सो ये स्लॉट जो है लिमिटेड होते हैं, तो लीजिंग ऑफिस में हमें एक स्पेसिफिक डेट के पहले रिक्वेस्ट देनी होती है, तो उसी बेस पे हमें स्लॉट्स मिलते हैं। आप ये व्यू देख सकते हैं, कंप्लीट व्यू गार्डन का। इट लुक्स सो नाइस। और यहाँ पे एक छोटा सा येलो कलर का फ्लावर है। नाउ किमिया इज गेटिंग रेडी टू सी हर फेवरेट स्पॉट, दैट इज टर्टल। तो अब हम जा रहे हैं गाइस पॉन्ड की तरफ। और किमिया जो है ट्राईसाइकिल चला रही थी। ये हम आ गए हैं पॉन्ड के यहाँ पर। ये आप व्यू देख सकते हैं पॉन्ड का। सो गाइस अब हम आए हैं पॉन्ड के करीब एंड किमिया इज बिजी हियर फीडिंग ब्रेड टू टर्टल एंड फिशेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे फिशेस हैं, क्यूट लग रहे हैं। किमिया को वैसे बहुत पसंद है यहाँ के टर्टल और फिशेस को ब्रेड खिलाना। इट्स रियली वेरी नाइस। तो ये है पॉन्ड का पूरा व्यू। किमिया इज एंजॉयिंग।
तो अब हम आए हैं कम्युनिटी मेलबॉक्स एरिया की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक को इंडिविजुअल स्मॉल लॉकर्स असाइन किए गए हैं। तो ये जो बड़ा लॉकर है, कुछ मेल जो नॉर्मल लॉकर में नहीं बैठ सकते, जैसे कि साइज में बड़े होते हैं, तो वो यहाँ पे डाले जाते हैं और उसकी की हमारे मेल बॉक्स में रखी होती है, जिससे हम वो की लेकर हमारा जो भी मेल है वो कलेक्ट कर सके। यहाँ पे हमें पोस्टल कंपनीज लाइक USPS, UPS, FedEx के मेल्स डिलीवर किए जाते हैं। ये है आउटगोइंग मेल,